दोस्तों पहाड़ों के बीच बना ललेची माता का मंदिर बड़ा ही विख्यात है। सदियों पुराना यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर माता जी की 3 प्रतिमाएं हैं। मान्यता के अनुसार यह प्रतिमाएं कुदरती रूप से यहाँ प्रकट हुई थी, जिसके बाद इनके 3 रूपों की पूजा यहाँ की जाती है। आइए जानते हैं इस दिव्य मंदिर की जानकारी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के सामदड़ी कस्बे में पहाड़ों के बीच ललेची माता का मंदिर स्थित है। यहाँ आदिशक्ति की 3 दिव्य प्रतिमाएं मौजूद है, जिसकी यहाँ आराधना की जाती है। तीनों ही प्रतिमाएं अलग अलग रूप में हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। माना जाता है कि तीनों ही समय के अनुसार अपने रूपों को बदलती है। दोस्तों माना जाता है कि करीब 800 वर्ष पहले जालोर जिले के धुमबड़ा से 9 देवियों में हुए विवाद के कारण वहां से नाराज होकर माता रवाना हुई, जो यहां गुफा के अंदर समदड़ी में प्रकट हुई। यहां एक पहाड़ के बीच गर्जना करते हुए माता रानी प्रकट हो गई, जिससे पहाड़ के 2 भाग हो गए। जब माता जी प्रकट हुई तो क्षेत्र सहित आसपास में भयंकर गर्जना होने लगी। उस गर्जना की ललकार के कारण इनका नाम ललेची माता पड़ा। दोस्तों ललेची माता का मंदिर विश्वास और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। यह ग्रामीणों की आस्था का केंद्र होने के कारण स्वेच्छा से हर पूर्णिमा को समदड़ी कस्बे का बाजार बंद रहता है और लोग माता जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर प्रांगण में नवरात्रों में 1992 से शुरू हुए गरबे का आयोजन हर वर्ष होता है। गरबे में माँ काली का प्रवेश एवं ललिता पंचमी का विशेष महत्व है। दोस्तों हर वर्ष नवरात्रि के समय 9 दिवसीय पूजा अर्चना की जाती है। वहीं हवन अष्टमी के दिन विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रों उच्चारण के बाद यज्ञ भी किया जाता है। ललिता पंचमी और हवन अष्टमी को गरबा नृत्य में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मां काली के प्रकट होने की झांकी अद्भुतता के दर्शन करवाती है। दोस्तों कहा जाता है कि माता जी के प्रकट होने के समय हुई गर्जना से वहां मौजूद गोवंश डरकर जहां तक भागे थे वहां तक माता जी का ओरण व गोचर भूमि है। गोवंश व अन्य पशुओं के विचरण के लिए यहां ललेची माता गौशाला का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों ललेची माता का मंदिर प्रतीक है भक्ति और आस्था के एहसास का। ये मंदिर प्रतीक है हमारी प्राचीनता के आभास का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हो ललेची माता जी की।